दोस्तों, फ्रेंच फ्राई तो आप बहुत देखे होंगे और खाए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रेंच फ्राई कैसे बनती है और ये आसान से आसान रेसिपी इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें एक साइज का 4 आलू ले लिए हैं और ये नॉर्मल ही आलू है जो मार्केट में मिलता है। और इस आलू को हम एक साइज के लिए हैं और थोड़ा लंबा ही बड़ा ही आलू लेंगे कि मेरा फ्रेंच फ्राई बड़ा बड़ा बने। और इसे हम अच्छी तरह से इसे छील लेंगे। देखिए, हम इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसे छील लिए हैं। और इसे हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर, और ये एक बॉल हम पानी लिए हैं इसी पानी में काट कर, और इसे हमें रखना है। तो हम इसे अब एक आलू को हम 4 भाग में काट देंगे। देखिए, इस तरह से आप एक आलू में इसे हम 4 कर लेंगे। और इसे हम लंबा लंबा करके इस तरह से सभी को थोड़ा मोटा ही काटेंगे, ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे। और देखिए, इस तरह से काट काट कर आप इसे पानी में डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे पतला पतला सभी को काट लिए हैं। और इसे हम अच्छी तरह से धोकर इसमें साफ कर लिए हैं। और इसे अब हम 15 मिनट के लिए एक बाउल में पानी डालकर इसे ढककर हम रख देंगे। और 15 मिनट के बाद फिर हम मिलते हैं। तो देखिए, इसे हम पतला पतला स्लाइस में काट लिए हैं। अब इसे हम पानी में ही अच्छी तरह से धोकर पानी में 15 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, और ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। और 15 मिनट बाद फिर इसे हम देखेंगे। मेरा 15 मिनट हो गया फ्रेंड्स। तो इसे अब हम अच्छी तरह से फिर धोकर, और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे, और इसे फिर 15 मिनट के लिए ढककर हम रखेंगे। अब मेरा फिर 15 मिनट हो गया पूरा। मेरा आधा घंटा ये पानी में हम रख दिए। अब इसे हम अच्छी तरह से फिर से धोकर 2-3 पानी से धो लेंगे, धो लिए। और अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे इसे हम, और इसे हम एका कर कर पंखे के नीचे इसे हम सुखा लेंगे। तो देखिए, इसे हम पंखे के नीचे हम एक एक करके सब बढ़िया से सुखा लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करने के चलेंगे। तो चलिए, तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मेरा रेडी है। तो हम एक कढ़ाई रखेंगे। तो हम गैस ऑन करेंगे, और गैस में हम एक कढ़ाई रखकर, और इसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल को गर्म नहीं होने देना है। आँच को मीडियम कर देंगे हम गैस को, और इसी में हम इसे डाल देंगे। ठंडे तेल में हम इसे डाल देंगे और इसे हम चला देंगे। और इसे हम धीरे धीरे ये गर्म होगा, इसे हम मीडियम में कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और इसे हम इसी तरह उलट पलट कर इसे हम फ्राई करेंगे। तो अभी ये मेरा हो रहा गर्म। अगर मेरा वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा तेल गर्म हो गया। अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम में हम इसे 5 मिनट तलेंगे। धीरे धीरे तेल गर्म होगा। देखिए, मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म होने लगा है। और ये इसी में अब हमें 5 मिनट अच्छी तरह से इसे हम फ्राई करेंगे ये, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मेरा तेल तो गर्म हो गया है। अब मेरा ये बन रहा है। देखिए, मेरा 5 मिनट हो गया। अब इसे हम निकालेंगे। इसे हमें टिश्यू पेपर पर नहीं निकालना है, इसे हम थाली में ही निकालेंगे। अगर हम टिश्यू पेपर में निकालेंगे तो ये मेरा फ्रेंच फ्राई मुलायम हो जाएगा और स्पाइसी नहीं बनेगा। तो इसे हम एक थाली में तेल को निकाल कर और इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, इसे अब चम्मच की सहायता से इसे फैला लीजिए, और इसे अब ठंडा होने दीजिए। और एक बार और इसे हम हाई फ्लेम में तलेंगे। तो अब इसे ठंडा होने दीजिए। अब इसे हम हाई फ्लेम में, देखिए तेल मेरा गर्म हो गया। पहले हम इसे एक इसमें हम डालकर एक देख लेंगे कि मेरा तेल गर्म है कि नहीं है। तो देखिए, मेरा तेल गर्म है, पूरा हाई है, गर्म है। और इसे अब हम देखिए, मेरा फ्राई हो जा रहा है। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे, और इसी तरह हम इसमें जितना मेरा तेल है उतना ही हमको डालना है। तेल में जितना आए उतना ही डालिए, 2 बार में करिए। पहले हम कम फ्लेम में किए, अभी हम हाई फ्लेम में करेंगे। फ्लेम को हाई ही रखेंगे। और देखिए, ये हो गया।
थोड़ा इसे हम सुनहरा तक कर लेंगे, सुनहरा होने तक कर लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह जो बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और जो बचा था उसे भी हम इसी में डाल दिए और इसे भी हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे उसी तरह जिस तरह पहले वाला किए। देखिए ये मेरा फ्रेंच फ्राई बनकर रेडी है और अब इसे इसमें हम इसमें काला नमक डाल देंगे और इसमें हम रेड चिल्ली पाउडर को इसमें डालकर और इसे हम सर्व करेंगे और आप इसे चटनी और सॉस के साथ खाइए और खिलाइए फ्रेंड्स। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये हम शॉर्टकट में बनाए हैं, ना उबालने का झंझट है ना कुछ है। देखिए ये मेरा फ्रेंच फ्राई कितनी लंबी लंबी और बढ़िया बढ़िया बनी है। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से बनकर रेडी है और ये एकदम स्पाइस बनी है और ये आप इसे सॉस और चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।